यीशु का चारिव कैति सुसमाचार का प्रचार करे वाले प्रेरितन यीशु का पास जमा बहन जौन उ पचे किहेन और सिखाएन सब कछु बताएन। तब यीशु उनसे कहे, तू पचे खुदई मोरे संग एकांत जगहिया मा आवा और तनिक आराम करा। फिर वहाँ बहुत मनई का औब जाब लाग रहा, ऐसे उ सब खाए का समय नाही पाएन। एह बरे उ सब मिलके खुदई नाव सा एकांत जगहिया मा गयन। मुला बहुत जने उनका जात भवा देखेन और पहचानेन कि उ सब कौन रहेन। ई कारण उ लोग सबै सहरन सा हुआ धरतिया पर धावत गयन और उ पचे ओन से पहले पहुँचेन। जब ही यीशु नाव सा उतरा उ एक भारी भीड़ देखे, तब ही वो उनके बड़े दुखी भवा। ई कारण कि उ सबै बिना गड़रिया का भेड़ नाही रहेन। ऐसे वो बहुत बातन सिखावे लाग। तब तलक सांझ हो गई। एह बरे ओकर चेलन ओकरे नगीचे आयन और बोलेन, ई एकांत जगह है और दिनवा डर गया है। मनैयन का पठवा जैसे उपचे नगीचे खेतन और गाँव में जा सकें, आउ आपन बरे कछु खाई के बेसही ले। मुला जवाबे मा यीशु उनसे कहे, तू उनका कछु खाई के ध्यान। उ सब ओर से कहें, का हम पचे जाए और 200 दिनार का बराबर रोटी बेसही और उनके खाई का बाटी। यीशु उनसे कहे, कितनी रोटी तोहरे पास अहै, जा और देखा। जब उ पचे पता पाएन उ पचे कहें, हमारे 5 ठू रोटी और 2 मछलियां हैं। फिर यीशु चेलन का हुकुम देहे, हर एक का हरियर घसियां पर पंगत मा बैठे बरे कहा। तब ही वो सब 100-100 और 50-50 का पंगत मा बैठ गए। तैसे ने यीशु 5 रोटियन क और 2 मछलियन क उठाए के सरग का ओर निहारत भवा, धन्यवाद दिहस और रोटिन तोड़ेस। उ आपन चेलन का उनका बांटे बरे दिहस। उ सबै भरपेट खाएन और उ सबै अघाई गए। ओकरे बाद उ सब रोटी और मछरी का बचा भवा 12 टुकरन का हुआ माँ उठाएन। पुरुषन का गनती जौन खैया का खाएन 5,000 रही। फिन तुरंत यीशु आपन चेलन नाव माँ बैठाएस, जैसे उ सबै जब भिरिया का विदाई पहले झील का ओह पार बैतसैदा चला जाई। यीशु भीड़ का विदाई का बाद पहाड़ी पर प्रार्थना बरे गवा। जब सांझ भई नाव झिलिया का मझधर मा रही और वो भुइया पर अकेले रहा। वो उनका नाव खेवत का मुसीबते मा देखे, काहे की हवा उनके खिलाफ बहत रही। लगभग 3-6 बजे का समय भिनसारे उनके नियरे झिलिया पर चलत आवा। जैसे ही उनके नियरे सा जाय का भवा, उपचे का पानी पर चलत भवा निहारेन, उ सब अंजाद लगाएन कि कौनो बड़वार दुष्ट आत्मा है। ऐसे उपचे डरात भये चिचियानेन। मुला उपचे का निहारेन और वो सब ससाई गए। तुरंत ही वो उनसे बोला, हिम्मत रखा, ई मैं हूँ, जिन डरा। फिर वो उनके संग नाव पर चढ़ गवा। तब आंधी पटाई गई, ऐसे वो सब अचरज मा पड़ गए। वो पचे रोटियन का अद्भुत कारज का बारे मा समझ पाए नाही, उनके दिमाग कठोर हो गवा। जब उ सब झील पार कर लिहन तो गन्ने सरत का घाटे पर आयन और नाव का बांध लिहन।
जब उ पचे नाव का छाड़ का उतर आयन मनयन यीशु का पहचान लिहन। उ पचे समूचे पहाटा मा भागत फिरेन और बेरमियन का बिछौना पा जहाँ कहूँ उ पचे सुनेन कि यीशु हुआ बा लाद का ले जाए लागेन। जहाँ कहूँ गांव मा कस्बन मा या खेतन मा जात रहा उपचे आपन बेरमियन का हाटन मा बैठाए देतन और उपचे यीशु से विनती करतेन कि वो आपन ओढ़ना का एक हिस्सा छुआई दे और सबई जवने का छुएन नीक होए गएन।